पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्लेमिंगो के बारे में। फ्लेमिंगो के बारे में कुछ रोचक तथ्य और फ्लेमिंगो की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। एनिमल टीवी पर जो भी लोग नए आए हैं, मैं उन सभी को एक बार बता देना चाहता हूँ कि एनिमल टीवी पर आपको सभी तरह के जानवरों के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। आप यहाँ पर किसी भी जानवर के बारे में सर्च कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि एनिमल टीवी से जुड़ी हुई हर नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। फ्लेमिंगो पक्षियों की दुनिया का एक खूबसूरत पक्षी है। फ्लेमिंगो शब्द एक स्पेनिश शब्द फ्लेमिंग्सको से आया है, जिसका मतलब होता है आग, जो इसके गुलाबी रंग और ऑरेंज रंग की आँखों की वजह से है। पूरी दुनिया में इनकी आबादी लाखों में है और इनकी पूरी दुनिया में कुल 6 प्रजातियां हैं, जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो, सीलियन फ्लेमिंगो, लेजर फ्लेमिंगो, कैरिबियन फ्लेमिंगो, इंडियन फ्लेमिंगो और पूना फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगोज पूरी दुनिया में अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। ये खारे पानी और मीठे पानी की झीलों के किनारे आसानी से देखे जा सकते हैं। मौसम बदलने पर ये अपनी जगह भी बदल लेते हैं। इन्हें पता होता है कि कहाँ पर बारिश होने वाली है। ये पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को महसूस कर सकते हैं और उनसे ये दिशा का पता लगा लेते हैं। कभी कभी तो ये 500 किलोमीटर तक का भी सफ़र करते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्यों आखिर ये गुलाबी रंग के होते हैं। तो इनका मुख्य कारण ये है दोस्तों, इसका खाना। इनके खाने में शैवाल और क्रस्टेशियम शामिल है, जिनमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, जो इनके गुलाबी रंग का कारण बनता है। लेकिन लोगों ने दो बार काले रंग के फ्लेमिंगोस को भी देखा है। वो पूरा झुंड नहीं था, वो सिर्फ एक या दो थे। एक बार इज़राइल में और एक बार साइप्रस में इन्हें देखा गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दो अलग अलग प्रजातियां हो सकती है या नहीं भी। ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे वैज्ञानिकों ने टाइगर और लॉयन के DNA से एक नई बिल्ली प्रजाति के जीव का निर्माण किया था, उसी तरह से किसी कारणवश काले सारस के DNA का ये परिणाम हो सकता है। फ्लेमिंगो पूरी तरह से गुलाबी होता है। इसकी त्वचा, इसके अंडे और जो खाना ये अपने बच्चों को खिलाते हैं वो भी गुलाबी होता है। नर और मादा एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए एक विशेष तरह का नृत्य करते हैं और जब एक बार जोड़ा बन जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी भर साथ में रहते हैं। अगर किसी कारणवश किसी एक की मौत हो जाती है तो दूसरा उसके गम की वजह से मर जाता है। इसकी लंबाई 3 से 5 फीट तक होती है और इनका वज़न 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होता है। इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो हल्के भूरे रंग के होते हैं। बाद में लगभग 3 साल के अंदर वे पूरी तरह से परिपक्व और गुलाबी हो जाते हैं। फ्लेमिंगोस के बारे में सबसे रोचक बात तो ये है कि जितनी आबादी इनकी इस पूरी दुनिया में है, उनसे कहीं गुना ज़्यादा इनके प्लास्टिक से बने खिलौने हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में और अपने बगीचे में खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखते हैं। फ्लेमिंगो के बारे में एक और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्लेमिंगो दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने वाला पक्षी है। अब तक का सबसे बूढ़ा फ्लेमिंगो, जिसका नाम फ्लेमिंगो 1 था, जो 70 साल की उम्र के बाद 30 जनवरी 2014 को ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में मर गया। इसका औसत जीवन काल 60 साल का होता है। तो ये सब इस खूबसूरत पक्षी फ्लेमिंगो के बारे में था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी कौन सी बात लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से इंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।